नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी। जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम मनेरी के धान खरीदी केंद्र में किसानों से खरीदे गए धान को अपनी निजी राइस मिल में रखे जाने के मामले में मां संतोषी राइस मिल के संचालक अमित वानखेड़े के विरुद्ध बहेला थाने में FIR दर्ज की गई है। इस संबंध में पुलिस की जानकारी अनुसार 5 जनवरी को नापतोल निरीक्षक राजकुमार कछवाहा पिता हीरा लाल उम्र 50 वर्ष निवासी गोली मोहल्ला बालाघाट के द्वारा थाना आकर एक लिखित पंचनामा पेश किया, जो धारा 379 411 का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शिकायत में बताया गया कि मां संतोषी राइस मिल मनेरी में खरीफ उपार्जन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत खरीफ उपार्जन केंद्र मनेरी में क्रय की गई नीली स्टेंसिल लगी हुई और लाल धागे से सिलाई किए गए नए बारदाने में भरी हुई धान मिलिंग के लिए रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर नापतोल निरीक्षक राजकुमार कछवाहा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निहारिका अवस्थी, मंडी AII आकाश ठाकुर जांच के लिए आए। उक्त जांच में ये सूचना सत्य पाई गई। जांच के समय मालिक मां संतोषी राइस मिल मनेरी अमित वानखेड़े मिल में उपस्थित पाए गए। पंचों के समक्ष जांच करने भर मां संतोषी रासमल के परिसर में 16 बोरी धान शासकीय बारदाने में नीली स्टेंसिल लगी हुई लाल धागे से सिलाई की हुई, जिसमें खरीफ उपार्जन वर्ष 2022-23 के उपार्जन केंद्र मनेरी के टैग लगे हुए रखी पाई गई। धान अमित वानखेड़े से जब्त कर MPWLC के शाखा प्रबंधक लांजी विवेक आगासपुरी के सुपुर्दगी में दिए जाने के लिए परिवहन करवाया गया।